को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह की एक विंडो ओपन होगी। आप सिंपली इस आइकॉन पर क्लिक करें और फिर इसके बाद एम्प्टी प्रोजेक्ट पर क्लिक करें तो आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन होगी। तो आप यहाँ से जो है जो भी फाइल या जो भी वीडियो या जो फोटोज वगैरह ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ मीडिया ब्राउज़र पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं कुछ फोटोज़ जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि ये एक फ़ोटो है और कुछ वीडियोस जो है वो भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि ये वीडियो है तो आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगी एक टाइमलाइन। तो आप यहाँ से अगर टेक्स्ट इस वीडियो में ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लेयर्स पर क्लिक करें। तो लेयर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से ये ऑप्शन जो है वो शो हो गए। अगर आप इनमें से ये जो है इमेज का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह विंडो ओपन होगी और आप यहाँ से कुछ जो इमेज अगर आप इस फोटो के ऊपर भी ऐड करना चाहते हैं तो आप इस तरह ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्टिकर का। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह कुछ स्टिकर्स ओपन हो जाएंगे। आप इनको भी अगर ऐड करना चाहें तो सिंपली इस तरह ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन ऑप्शन जो है वो है टेक्स्ट का। आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक विंडो ओपन होगी। आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कदीर रेहान लिख देता हूँ और इसको ओके कर दें। तो इसके बाद कुछ इस तरह से आपके सामने विंडो ओपन होगी। तो आप यहाँ से टेक्स्ट में एडिटिंग और टेक्स्ट को और भी एडिट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिफरेंट फॉन्ट्स जो है वो आ जाएंगे। आप इनमें से कोई भी फॉन्ट जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये फॉन्ट अभी सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये फॉन्ट्स जो चेंज हो गए हैं और यहाँ पर क्लिक करके आप कलर में चेंजिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं कुछ कलर को चेंज कर देता हूँ और यहाँ से आप ओके कर दें। इस तरह आप कलर में चेंज कर सकते हैं और यहाँ से टेक्स्ट जो है फॉन्ट्स भी वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जो ऑप्शन है वो है इन एनिमेशन, यानी कि ये टेक्स्ट जो इन होगा वो किस तरह से हो। तो यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन है, आपको इनमें से जो भी सही लगे तो वो सिलेक्ट कर लें। मैं यहाँ से ये जो है स्लाइड लेफ्ट या ये ड्रॉप का जो इफेक्ट है इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह आप अपने टेक्स्ट या अपने फोटोज में भी इसी तरह अगर आप इफेक्ट लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। और इसी तरह जो है एनिमेशन आउट का ऑप्शन है वो भी, अगर यहाँ से कि ये पिक जो है जब एंड हो तो वो किस तरह हो, तो उसके लिए यहाँ पर ये ऑप्शन भी हो रहा है कि इस तरह। और भी बहुत सारे ये हैं, इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखें, अभी आप अगर इस वीडियो को प्ले करेंगे तो इस तरह ये आपके सामने आएगी। ये देखें, ये पहले एनिमेशन इन हो रहा है, फिर आउट हो रहा है और इसके बाद ये टेक्स्ट आ रहा है। तो उसके बाद जो है ये बीच में ऑप्शन जो है ओवर ऑल एनिमेशन, तो इस पर क्लिक करेंगे तो इसके सामने भी बहुत सारे इफेक्ट आएंगे। तो इसमें ये जो इफेक्ट है वो आप ट्राई कर लें कोई भी, अगर आपको जो अच्छा लगे। जैसे ये इफेक्ट है ब्लिंक शो, ब्लिंक स्लो, ये देखें स्लोली ब्लिंक कर रहा है। तो इस तरह और भी इफेक्ट्स हैं जो भी आप अपनी वीडियो में जो ऐड करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इस वीडियो को दो फिंगर्स के साथ इस तरह, सॉरी इस टाइमलाइन को अगर दो फिंगर्स के साथ इस तरह ड्रैग करेंगे तो ये जो है इस तरह ड्रैग भी हो सकती है। इसकी जो है वो आप जो छोटे छोटे पार्ट्स में भी इस वीडियो को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आएंगे। यहाँ से आप सिंपली कोई भी ट्रांसलेशन अपनी वीडियो में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ये है 3D फ्लिप। अब मैं इसको प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, और उसके बाद जो है लेयर्स में ये सेटिंग, ये है ऑप्शन हैंड राइटिंग का। इससे आप इस तरह अपनी स्क्रीन पर कुछ भी अपनी हैंड से लिख सकते हैं, या अगर आप कुछ ऐसे एरो वगैरह बनाना चाहते हैं तो वो भी आप इस तरह बना सकते हैं।
और या कोई ऐसे मार्क वगैरह लगाना चाहते हैं वो भी आप अपनी स्क्रीन पर लगा सकते हैं। तो इसमें भी सेम वही ऑप्शंस हैं जैसे कि ये एनिमेशन इन वगैरह का ऑप्शन, ये यहाँ से इसकी ऑप्शन है जो कि आप इसको लो भी रख सकते हैं और हाई भी। तो अगर आप इस पे एनिमेशन इन का ये देखें, ये इसमें थोड़ा सा चेंज है कि अगर आप इसको ड्रा वे स्ट्रोक इस तरह के ऑप्शन भी हैं, ये फेड का ऑप्शन वो सेम ऑप्शन जो पहले था वो भी है। तो आप इस तरह से अपनी वीडियो में कुछ भी इफेक्ट जो है कोई भी इफेक्ट वो लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आप वीडियो के कोई फोटो वगैरह है तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह ये विंडो ओपन होगी। आप ये सबसे पहले तो ये कि आप यहाँ से इस वीडियो को, सॉरी ये वीडियो के लिए ऑप्शन है, ये इमेज में नहीं है, क्योंकि आप अगर इमेज की जो लेंथ है उसको बढ़ाना या कम करना चाहते हैं तो आप सिंपली इस पर क्लिक करके यहाँ से इस तरह ऐसे जो ड्रैग करेंगे तो इसकी जो लेंथ है वो कम हो जाएगी, और अगर इसको आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप सिंपली इस तरह ड्रैग कर दें। और इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है क्रॉप का, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन होगी। अगर आप इसमें टेक्स्ट को, ये पिक को इस तरह क्रॉप करेंगे तो आपके सामने ये ऐसे क्रॉप होगी, पहले ऐसे आएगा, और उसके बाद अगर आप नीचे इसको आप ये देखें ऐसे जूम आउट कर दें तो जब आप वीडियो को प्ले करेंगे तो ये इस तरह शो होगा। और उसके बाद ये नीचे ऑप्शन है, ये है रोटेट का ऑप्शन, है सिंपल ऑप्शन है बिल्कुल, आप इसके साथ इससे जो फोटो है उसको रोटेट कर सकते हैं। और इसके नीचे है, सॉरी इसके नीचे है क्लिप इफेक्ट्स, इसमें बहुत सारे इफेक्ट हैं जो कि कुछ जो यहाँ पर हैं और कुछ आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए ये इफेक्ट्स इस तरह से, अगर आप टैक्स वगैरह लगाना चाहते हैं या और भी बहुत सारे इफेक्ट हैं इनमें तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद अगर कोई अगर आप वीडियो वगैरह एडिट कर रहे हैं तो आप उसमें से कुछ पार्ट अगर आप इस तरह से रिमूव करना चाहते हैं जैसे कि ये पार्ट है, तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करें और इसमें देखिए ये तीन चार ऑप्शन आ रहे हैं, अगर आप इसमें स्प्लिट करेंगे तो ये वीडियो जो है ये अलग अलग हो जाएगी, और आप अगर इसमें से कोई भी पार्ट जो है इस तरह स्प्लिट करके कोई भी पार्ट जो है वो रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने थोड़ा सा पार्ट है, आप इस पर क्लिक करें और यहाँ से डिलीट कर दें तो ये जो पार्ट है ये बीच में से रिमूव हो जाएगा। और इसके बाद ये आप क्लिप में भी इस तरह से वही जो इफेक्ट्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। और एक ये जो स्पीकर का आइकन शो रहा है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप वीडियो का वॉल्यूम जो अप भी कर सकते हैं और डाउन भी कर सकते हैं। तो इसके नीचे ये है स्पीड कंट्रोल, तो यहाँ से आप अगर वीडियो की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको जितना बढ़ाना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लें और इसके बाद ओके कर देंगे तो ये वीडियो की स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद फ्रेंड ये नीचे कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं, तो इसमें जो नेक्स्ट वीडियो होगी ग्रीन स्क्रीन के बारे में, तो उसमें मैं ये शो करूँगा, इसके इन ऑप्शन के बारे में बताऊँगा, तो उस वीडियो के लिए थोड़ा वेट करें, बहुत जल्दी मैं उस वीडियो को भी अपलोड करूँगा। और फ्रेंड इसके बाद जो है ये ऑडियो का ऑप्शन है, अगर आप इस जो आपकी ये वीडियो है या जो भी पिक्स वगैरह हैं आप उनके नीचे कोई ऑडियो फाइल अगर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिंपल इस ऑडियो पर क्लिक करें और यहाँ से कोई भी जो आपके मोबाइल में कोई भी सॉन्ग या कोई भी कुछ भी पड़ा होगा तो आप उसको भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं, या कि टेम्परेट म्यूजिक है इसमें से आप लगा सकते हैं। तो मैं एग्जांपल के लिए अभी इसको लगा देता हूँ, और अगर आपसे मिस्टेक से ये जो है कुछ आगे पीछे लग गया तो आप यहाँ से इसको इस तरह क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं इस तरह। और उसके बाद अगर आप इस जो ऑडियो फाइल आपने लगाई इसकी वॉल्यूम को अगर स्लो या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इस तरह कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग ये इफेक्ट इसमें है कि अगर आप अपनी ऑडियो की जो है थोड़ा सा चेंजिंग लाना चाहते हैं आप, तो यहाँ से आप ऑडियो पर क्लिक करें और उसके बाद यहाँ से बहुत ये तीन चार इफेक्ट हैं, इनमें से वॉइस चेंज और रोबोट, तो इसमें थोड़ा सी वॉइस में चेंजिंग आ सकती है।
ये म्यूजिक फाइल थी, इसलिए इसमें जो है ज़्यादा इफेक्ट शो नहीं हो रहा। अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ये जो है शो होता है। तो आप इस तरह इजीली अपनी, और ये लास्ट इफेक्ट जो है ये नीचे है वॉइस का, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से जो भी, अभी आप यहाँ से कुछ भी अपनी वीडियो में डायरेक्टली यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर स्टार्ट कर पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी वीडियो जो है वो चलना शुरू हो जाएगी साथ में, और साथ में आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह आप इजीली अपनी वीडियो में कुछ भी जो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी वीडियो में कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और उसके बाद फाइनल जो ऑप्शन है वो है कि आप इस वीडियो को किस तरह अपनी गैलरी में सेव करें, आप इसको किस तरह शेयर करें। तो उसके लिए आप यहाँ से ये जो आइकन शो हो रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से ये ओपन होगी। अगर आप इसको डायरेक्टली यूट्यूब, फेसबुक या गूगल प्लस या ड्रॉप बॉक्स में अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी वहाँ पे भी अपलोड कर सकते हैं। और अगर आप इसको अपनी गैलरी में सेव करना चाहते हैं तो आप सेव वीडियो टू गैलरी पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फ्रेंड जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये फ्री वर्जन है। अगर आप इसको बाय करेंगे तो आपके वीडियो के ऊपर जो वाटरमार्क है वो शो नहीं होगा। और अगर आप यहाँ से सिंपली वाटरमार्क के साथ करना चाहते वीडियो को रेंडर करना चाहते हैं तो नो थैंक्स कंटिन्यू विथ वाटरमार्क पर सेलेक्ट कर दें। अगर आप किसी गूगल या गूगल पर सर्च कर लें कि आप इसका प्रो वर्जन जो है वो फ्री में किस तरह यूज़ कर सकते हैं तो आपको बहुत सारी टिप्स मिल जाएंगी। तो अभी मैं यहाँ से इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पर आगे ऑप्शन आ रहा है कि आप इस वीडियो को किस क्वालिटी में जो है रेंडर करना चाहते हैं। तो इसमें हाई डेफिनेशन भी आ रही है, यानी 1280 और 720, उससे लो भी है। तो फिलहाल मैं लो में इसको करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वीडियो रेंडरिंग जो है वो स्टार्ट, एक्सपोर्टिंग या रेंडरिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो ये कुछ ही देर में वीडियो रेंडर हो जाएगी।